Hello student, how are you all? Today I am going to teach you your next previous chapter, chapter number 5, measure of central tendency. Under that, this is our next new topic, arithmetic mean. Arithmetic mean is the most commonly used measure of central tendency. Arithmetic mean का मतलब क्या होता है कि एक most commonly used measure है जो कि central tendency में आप इसका इस्तेमाल करते हो. It is defined as the sum of the values of all observation divided by the number of observation and it's usually denoted by x. इसे define किया जाता है जो भी हमारे sum total values होती है observation की उसको divide करते हैं number of observation से और उसको हम denote करते हैं x से. Okay. सबसे मेन central tendency. Central tendency का मतलब क्या होता है जो हमने previous first video में देखा था कि अगर हमें किसी की एवरेज निकालनी होती है डे टू डे लाइफ की, अगर हमें किसी की मार्क्स निकालनी होती है या पीपल्स की अर्निंग निकालनी होती है, फैमिली मेंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो जो भी जो सेंट्रल बेस में हमें अगर कोई एवरेज निकालना होता है तो उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूला आप देख सकते हो, सम एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन. ये अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा टॉपिक है, अच्छे से समझना. यहाँ पे देखो, आपको एक डायग्रामेटिक हिसाब से दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लाइक 50, जिनको कुछ मार्क्स मिले हैं 54, 77, 67, 67, 46, 64, 62, 56, 38. तो ये कितने पूरे स्टूडेंट हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 9 स्टूडेंट है. ओके, तो जितने मार्क्स हैं इनके उनको हम समेशन एक्स के सामने लिख देंगे, जैसे 54 प्लस 77 प्लस 67 प्लस प्लस करके सारे के सारे नंबर लिख देंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9, तो उसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आ गया हमारा 531 डिवाइडेड बाय 9 इज 59. तो 59 आपका क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन. ओके, इस तरीके से हमें मीन फाइंड आउट करना है. शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा. एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो 1 मार्क्स के लिए आता है. जैसे कि यहाँ पे दिया है मंथली इनकम रुपीज़ में 6 फैमिली की दी गई है, तो यहाँ आपको निकालना है अरिथमेटिक मीन और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट. जैसे कि 6 फैमिली मेम्बर है, कोई 1600 कमाता है एक फैमिली, कोई 1500, 1400, तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन. तो समीशन एक्स में जितने भी फैमिली मेम्बर्स की इनकम है ऐड कर दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 6, डिवाइडेड बाय 6 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1547. तो ये क्या आ गया हमारा, अरिथमेटिक मीन. दिस क्वेश्चन कैरी ओनली 1 मार्क्स. ठीक है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, होप सो समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज टू जीरो, इक्वल टू जीरो. जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा क्या होता है, जीरो के इक्वल में होता है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है समीशन एक्स, समीशन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दी है और एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू भी दी है. जैसे एक्स है आपका 10, 20, 30, 40, 50, तो टोटल कितनी हो गया समीशन एक्स, 150. ठीक है, और एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस एक्स बार दिया है 10, माइनस 20, माइनस 10, 0, प्लस 10, प्लस 20, तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स बार इज इक्वल, एक्स बार माइनस एक्स करोगे एक्स बार तो आ जाएगा आपका 0. ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, ये माइनस 20 और माइनस 10 है तो टोटल कितना होता है 30, और यहाँ पे प्लस 10 और प्लस 20 है तो टोटल कितना होता है 30. तो 30 प्लस में से 30 माइनस किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि समीशन एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार कैसे आया 0. आपने यहाँ पे प्लस माइनस किया, माइनस माइनस 20 और 10 माइनस 30, प्लस 10 और प्लस 20 प्लस 30, तो माइनस 30 में से प्लस 30 अगर आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ गया 0. अब हम देखते हैं एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. अब यहाँ पे समेशन एक्स कितना दिया हुआ है, 150 आपका आ गया, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 150 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो आ गया आपका आंसर 30. ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है x बार वो 30 आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन है. समझ में आ गया होगा, होप सो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट की. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2,
The average age of class having 35 students in 14 years. Very important question, listen carefully. एक एवरेज एज दी है क्लास में जो कि 35 स्टूडेंट की है जो 14 ईयर के हैं, समझना 35 स्टूडेंट है और 14 ईयर्स के हैं। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर, अगर यहाँ पे क्लास टीचर ऐड हो जाती हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट कितने 35, क्लास टीचर ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 36। टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट द एवरेज राइज बाय 0.5 ईयर, तो उनका एवरेज कितना बढ़ जा रहा है 0.5 ईयर्स बढ़ जा रहा है। तो आपको निकालना है टीचर की एज क्या होगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, और इसी को हम डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एन एक्स, ठीक है। हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट 35 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 14, तो 35 मल्टीपल 14 490, ये आ गया, आया हमारा, समझ में आ रहा है। इसके बाद है आफ्टर एडिंग द एज ऑफ द टीचर, टीचर को जोड़ने के बाद में एवरेज कितना आ रहा है हमारा 14.5, है ना, 0.5 बढ़ गया है, तो 14 ईयर तो था ही, अब उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14.5। और एज ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचर टुगेदर, एज स्टूडेंट की 35 और स्टूडेंट टीचर को लेके हो गए 36, फिर 36 को हम करेंगे 14.5 से, तो आ गया हमारा 522। अब 522 में से हम 490 माइनस कर देंगे, तो ये आता है हमारा एज ऑफ द टीचर 32 ईयर्स। होप सो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देख लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल थर्ड, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40, समझना जो मीन मार्क्स है 100 स्टूडेंट का वो कितना दिया गया है 40 दिया है, 100 स्टूडेंट को 40 मार्क्स, ठीक है। लेटर ऑन, उसके बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वॉज रॉन्गली रीड, यहाँ पे स्कोर जो था 53 का वहाँ हम गलती से पढ़ने लग गए उसको 83, समझ में आ रहा है स्कोर कितना था 53, हम पढ़ने क्या लग गए 83। तो आपको बोला कि करेक्ट मीन मार्क्स बताओ, किसका करेक्ट मीन क्या होगा। तो सबसे पहले एन नंबर ऑफ नंबर कितने टोटल 100, एक्स बार कितना दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, एन को एक्स से मल्टीपल कर देंगे एन एक्स बार, ओके। अब समेशन एन एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीपल 40, तो आ गया आपका 4000, बट इट इज़ नॉट करेक्ट समेशन एक्स, लेकिन आपका करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कैसे निकलेगा, करेक्ट में से हम इनकरेक्ट माइनस कर देंगे, रॉन्ग आइटम माइनस कर देंगे और करेक्ट आइटम ऐड कर देंगे। तो इनकरेक्ट कितना है 4000, जो भी आपने निकाला है ना, यहाँ पे अभी आपने 4000 निकाला इनकरेक्ट, रॉन्ग आइटम क्या है, आप क्या गलती से पढ़ रहे थे 83, वो आप रॉन्ग है, करेक्ट आइटम क्या था 53, मार्क्स कितना मिला था 53, तो 4000 में से 83 माइनस करोगे 53 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3970, तो ये है आपका करेक्ट आइटम, ठीक है। तो अब आपको देखना है करेक्ट मीन मार्क्स, तो करेक्ट मीन कैसे निकालोगे, करेक्ट जो आपका आया मीन, करेक्ट समीशन एक्स अपॉन एन, एन कितना है आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 100, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 39.7। होप सो समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फोर, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40, 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स कितना दिया है 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट टू स्कोर वॉज रॉन्गली, इसके बाद ये देखा कि इसमें जो दो स्कोर थे वो हम गलत ले लिया था, 37 और 27, किसकी जगह पे 3 और 72, करेक्ट था 3 और 72, और हम क्या, हमने क्या ले लिया गलती से 30 और 27, ठीक है, रॉन्ग हो गया ही। तो आपको करेक्ट मीन निकालना है, जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज़ आपको ये भी निकालना है। सबसे पहले एन नंबर ऑफ कितना है 100, एक्स बार कितना है 40, सिंस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार, तो समेशन एक्स और एन एक्स बार कितना हो गया 100 मल्टीपल 40 4000, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला, पहले इनकरेक्ट में से आप माइनस करोगे सम ऑफ रॉन्ग आइटम, आपके दो रॉन्ग आइटम थे तो उसमें ऐड करोगे करेक्ट आइटम,
है ना। तो इनकरेक्ट क्या आया 4000 और सम ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग क्या था 30 और 27, आपने गलती से लिख दिया है ना, रॉन्गली टेकन 30 और 27 प्लस उसमें ऐड क्या करना है, राइट क्या है 3 और 72, 3 प्लस 72, तो 30 और 27 का आप माइनस करोगे, पहले प्लस कर दोगे अंदर तो 57 आता है और 3 और 72 का 75 आता है, तो 4000 में से आप 57 माइनस करोगे 75 ऐड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 40818 मीन्स 4018। ओके, तो आपको निकालना है करेक्ट मीन मार्क्स। तो करेक्ट मीन मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट समीशन एक्स अपॉन एन। तो करेक्ट समीशन एक्स क्या है 4018 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 100, तो आपका आंसर आ गया 40.18। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हर एक वीडियो में जो हमारे एग्जांपल है उसके नीचे क्वेश्चन आ रहा है, डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट योर ओन नोटबुक। ओके ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द टॉपिक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक मीन। मस्ट वॉच फुल वीडियो, आफ्टर दैट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग ए वेरी गुड काइंड ऑफ वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।